हाय स्टूडेंट, मैं अली करीम सर। इस वीडियो में मैं आप लोग को रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरते हैं वो बताने वाला हूँ। उस स्टार्ट करने से पहले, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख रहे हो, इसके सारे सॉफ्ट कॉपीज इस फॉर्मेट्स में आपके पास होना चाहिए, 256 KB से कम। 5 डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हो, इसमें से शायद रेगुलर स्टूडेंट के लिए 4 ही लगेगा, माइनॉरिटी स्कीम के लिए अगर आपको ड्रॉप लगाए तो 5वां लगेगा। और EBC, OBC, SC, ST एंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 4 गैप रहा तो 5वां, और साथ या पत्र और लिविंग सर्टिफिकेट भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। आने वाला है या आ चुका है या दोनों इंस्टॉलमेंट में से कोई एक भी आने वाला है तो वो स्टूडेंट रिन्यूअल हो जाता है इस साल के लिए। मतलब पिछले साल उसने फॉर्म भरा था और प्रोसेस में है या आ चुका है, मगर इस साल वो फॉर्म फिर से भर सकता है, तो उस स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे हम लोग रिन्यूअल स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट। तो आपको पहले तो MahaDBT की वेबसाइट पे गूगल के थ्रू जाना है। आपको न्यू वेबसाइट का जो लिंक है, अगर याद हो, इसमें क्लिक करके आप एप्लीकेंट लॉगिन में डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करें या डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू चले जाएं। और एप्लीकेंट लॉगिन में आप इस पर क्लिक करने पर आपको यूज़र नेम यहाँ पर डालें और पासवर्ड जो आपको याद होगा लास्ट ईयर का, वो आप यहाँ पर डाल के कैप्चा फिल्ड कर लीजिए और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर लीजिए। इन केस अगर आपने पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड का प्रोसेस का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और फॉरवर्ड यूज़र नेम का भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप जाके देख सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपका नाम इधर पे आ जाएगा और आपको प्रोफाइल का ये वाला स्टेटस दिखाई देगा, जहाँ पर आपका स्टेटस दिख रहा है कि आपका फॉर्म 100% फिल्ड है। तो ये जो फील्ड आपको फॉर्म दिख रहा है, ये पिछले साल का फॉर्म है। तो आपको इस साल का फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज़ें छोटी सी एडिट करनी होगी, पूरा फॉर्म में चेंजेस नहीं है। करंट कोर्स में आपको चेंजेस ज़्यादातर करना है, बाकी सब पूरा फॉर्म वैसा ही रहेगा। और कुछ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं जो मैं ड्यूरिंग द प्रोसेस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे तो आपको ऐसा ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसको स्क्रॉल डाउन करके देखो तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। सिंस आप इस साल रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हो तो आपको पूरा कोई भी चेंजेस नहीं करना है सिवाय एक के, तो आप स्क्रॉल डाउन करें, सारा पुराना डेटा जैसा है वैसे ही रहने दें, और आपको इनकम डिटेल वाले सेक्शन में आ जाइए। वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो आपको तहसीलदार ऑफिस से मिली होगी उसको अपलोड करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट में जो अमाउंट मेंशन है उस अमाउंट को फिल करें, जो भी अमाउंट मेंशन है वही अमाउंट आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भी होना चाहिए। रिमेंबर, आपको इनकम सर्टिफिकेट फिर से बनानी है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और प्लस आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी लगेगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगने वाला है। तो ये इनकम दोनों में अमाउंट जो मेंशन करो वो सेम कर रखना, नहीं तो आपको सेंडबैक हो सकता है, फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरीके से दिखाई देता है। आपको आपके फादर का नाम डालना है, आपको फिर इधर पे स्टूडेंट नेम डालना है, यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डालना है, रिमेंबर ब्रांच का नाम नहीं, और यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है इन वर्ड्स एंड इन रुपीज़, फिर जो भी आपका रिलीजन है वो डालना है। सिंस मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ माइनॉरिटी से रिलेटेड, ज़्यादा इसमें फोकस होगा। ये जो भी ये पूरा वीडियो हर स्कीम के लिए सेम अप्लाई करता है, बस स्कीम चेंज करनी है, बाकी पूरा चीज़ें सेम रहेगा। जो भी डिटेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपका स्टूडेंट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, और ये 10 रुपीज़ का जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको ये लेना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और डेट याद रहे, इसमें जो डेट डालोगे ना उसकी लास्ट डेट इसके पार नहीं करना चाहिए, मतलब 21 मार्च 2024, ये डेट के आगे की डेट आप मत डालें। इसके पहले की डेट आप डाल सकते हो, मतलब आप 2nd फेब डाल सकते हो या 30 दिसंबर डाल सकते हो, मतलब 2023 वाला या भी 2023 वाला, मगर मार्च और मार्च के आगे की डेट नहीं डालो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का ही डेट होता है। तो वो अगर डालोगे तो फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपका गलत हो जाएगा।
अब आपने फैमिली इनकम डाल दिया है, आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी ये सब आपको करना है, इनकम सर्टिफिकेट पे, सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा होगा वो फिल कर लीजिए, किसने दिया, तहसीलदार ऑफिस ने, फिर इनकम सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो और कितनी तारीख को इश्यू हुआ था वो डेट डालनी, तो ये भी याद रहे, ये वो भी आपका 31 मार्च से 2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके लिए एक्चुअली आप सिंस ये साल जो अभी चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, 2023-24 चल रहा है, राइट, तो फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा 2022-23 रहेगा, तो फाइनेंशियल ईयर तहसीलदार के इनकम सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको 2022-23 का ही डालना है, यहाँ पे याद रखें यही रहेगा डेट, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा, ये भी याद रखें कि डेट करेक्ट हो, डेट वही डालो जो सर्टिफिकेट में है। डोमेसाइल में कोई चेंजेस नहीं है, जो है वैसे ही है, लाइफ टाइम सेम रहता है, और फिर पर्सनल इन एलिजिबिलिटी में भी सेम रहेगा। जनधन योजना वाला में आपको नो लेना रहता है, एक्चुअली आधार लिंक अकाउंट हुए है रहेगा आपको, तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है, आ चुका है, मगर ये जनधन योजना अकाउंट एक अलग चीज़ है। बैंक डिटेल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी हम प्रेफर करते हैं, जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मिलेगा आपको, जो मैंने पिछले वीडियो मेरा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फ्रेश कैसे भरते हैं उसमें मैंने इसका जिक्र किया है, आपको जल्दी पैसे आना है तो पैसे, अगर आपको हो सकता है आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर अब तक नहीं आया है तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने अब तक रिलीज़ नहीं किया होगा, ठीक है, अदरवाइज आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक होने की वजह से अटका भी हो सकता है, तो ये आपको दोनों चीज़ देखनी होगी। आप हसबासॉफ्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, तो मोबाइल के प्ले स्टोर पर आप जाइए, हसबासॉफ्ट के ऐप को आप इंस्टॉल करके लें। इस ऐप के अंदर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग ब्रांच के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके फ्री नोट्स और सॉल्यूशंस क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है, वो आप एक्सेस कर सकते हो। इट्स सेफ टू डाउनलोड दिस ऐप, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा एज अ स्टूडेंट, तो यूज़ अनदर लॉगिन जो लास्ट ऑप्शन था आप उसको सेलेक्ट करें, आप मोबाइल नंबर चूज़ करें जिसके थ्रू करना है, एक ही मोबाइल पे एक बार एक्सेस होता है, ऑटोमेटिकली ओटीपी रीड होगा और उस ओटीपी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये वन टाइम और एकदम ईजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, और बहुत फास्ट और क्विकली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अभी जो आप देख रहे हो फीचर्ड कोर्सेस, आपको यहाँ फीचर्स कोर्सेस दिख रहे होंगे, इसके अलावा आप स्टोर में जाके और भी कोर्सेस आप देख सकते हो, कोर्स के वैल्यूज़ और प्राइजेस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप ऐप को फिर से ओपन करें, और ओपन करके आप यहाँ बाय नाउ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अलग अलग कोर्सेस दिख रहे हैं। मैं खुद ऑथर हूँ 4 बुक का, निराली प्रकाशन में मेरी बुक्स छपती हैं, और मैं उस बुक को का ऑथर हूँ इंजीनियरिंग के बुक्स के। अगर आपको जैसे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और के ब्रांच का सब्जेक्ट आपको परचेस करना है, तो आप अपना यूपीआई कोड, जो यूपीआई पेमेंट करते हैं वो कोड डालें, और बाय नाउ क्लिक करने के बाद और रेजर पे के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट अगर आपका हो जाएगा सक्सेसफुली तो प्रोसेस होगा और आपको बताएगा कि आपका पेमेंट हो गया है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। अदर इन्फॉर्मेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। मेन फोकस है करंट कोर्स में। करंट कोर्स में अब सिंस अभी आप 2023-24 वाले स्टूडेंट हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2023-24 का फॉर्म भर रहे हो, तो 2022-23 और 2021-22 ये आपका फर्स्ट ईयर हो सकता है, ये आपका सेकेंड ईयर हो सकता है, ये TY हो सकता है। तो अगर मैं TY वाले समझूं, और कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि जैसे अभी अभी एक पिछले साल एडमिशन लिए, तो वो सेकेंड ईयर में हो गए यहाँ पर SY, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो गए, ठीक है। तो थर्ड ईयर वालों के लिए ये साल थर्ड ईयर होगा, सेकेंड ईयर वालों के लिए ये साल सेकेंड ईयर होगा, ठीक है। तो दोनों प्रोस्पेक्ट पे मैं चलूँगा यहाँ पर, तो लॉजिकली आप समझ जाना कैसे करना है।
तो जैसे ही आप फॉर्म भरोगे ना, करंट कोर्स का क्लिक करोगे ना, तो आप स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको पिछले साल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये पिछले साल के इन्फॉर्मेशन में आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे परसुइंग लिखा है। आप सपोज पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे, अभी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, अभी आप सेकेंड ईयर में, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, तो आप अगर अभी इस साल सेकेंड ईयर में हो तो अभी ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये डिलीट करने वाला ऑप्शन कौन करेगा? जो स्टूडेंट इस वक्त सेकेंड ईयर में है। रिमेम्बर, ये सिर्फ सेकेंड ईयर वाले ही डिलीट करेंगे, थर्ड ईयर वाले डिलीट नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो डिलीट कर दो, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर का डिटेल डिलीट करना होगा। इसका डिटेल मतलब यहाँ पे जैसा अभी फर्स्ट ईयर लिखा है ना, तो नीचे यहाँ पे सेकेंड ईयर लिखा होगा आपका, मतलब पिछले, और वहाँ पे परसुइंग लिखा होगा आपके केस में, कौन, टी वाई वाले लोग, ये टी वाई के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ परसुइंग लिखा होगा और फर्स्ट ईयर आपके लिए कंप्लीटेड होगा टी वाई वालों के लिए। तो फर्स्ट ईयर को छेड़ो मत, रहने दो जैसा है वैसा, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। दोनों केस में मैंने बताया कि सेकेंड ईयर वाले ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर को डिलीट करेंगे, जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है, 23-24 वाले बच्चे, और टी वाई वाले जो 23-24 है वो सेकेंड ईयर को डिलीट करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। और इस पे फिर ओके बटन में जैसे ही क्लिक करोगे तो डेटा गायब हो जाएगा, गायब होके सारा रीसेट भी हो जाएगा। यहाँ पे सारा डेटा रीसेट हो चुका है, आप पिछले देखो कुछ दिया था यहाँ पे और यहाँ पे अभी पूरा गायब हो चुका है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर्म भरेंगे कैसे, ठीक है, नहीं तो आपको एक एरर आएगा जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एरर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये बहुत सारे बच्चों को आता है, वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग खाली एक साल का डेटा डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है। तो आप अभी देखो ये जो रेड वाला जो सेक्शन देख रहे हो, ये जो रेड वाला सेक्शन आप अभी जो नोटिस कर रहे हो ना, तो ये रेड वाला सेक्शन जो है इसको सिर्फ एक बार भरना रहता है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है ईयर ऑफ स्टडी, ये हर साल के लिए भरना होता है। मैं अभी अज्यूम करता हूँ कि मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर का डिलीट कर दिया है, तो फर्स्ट ईयर का डिलीट करने की वजह से नो डेटा ऐड होगा। मगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर में है टी वाई वालों के लिए, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर दिखाई देगा, आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर दिखाई देगा, ठीक है। और एस वाई वाले जो इस साल है उनके लिए टोटल नो डेटा लिख कर आएगा, क्या लिख कर आएगा, नो डेटा, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर यार। अभी आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप देखो, मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये अज्यूम करके चलो कि अभी सेकेंड ईयर का डेटा हम भर रहे हैं, ओके। क्या किसका भर रहे हैं डेटा, सेकेंड ईयर का डेटा। तो सेकेंड ईयर का डेटा भरने से क्या होगा ना, सिंस सेकेंड ईयर वालों का पूरा कुछ डिलीट हो चुका है, तो उन लोगों को ये वाला जो पार्ट है ना ये फिर से भरना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को भरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो कि थर्ड ईयर वालों को नहीं लगेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2021 में एडमिशन लिए थे, याद है ना मैंने आपको बताया था, 2021-22 फिर 22-23 और 23-24 अभी आपका थर्ड ईयर, तो ये एक्चुअली सेकेंड ईयर का नहीं हुआ, थर्ड ईयर का हुआ। सेकेंड ईयर वालों के लिए यहाँ पे 2022 लिख कर आएगा फॉर एस वाई और ये टी वाई के लिए, तो मैं सेकेंड ईयर के लिए फोकस करता हूँ, तो 2022 आपको लिख कर आएगा। अगर आपको ड्रॉप नहीं लगाया, आई एम कंसिडरिंग कि आपको ड्रॉप नहीं लगाया, उसके बाद आप महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कर लो, आप आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, आपका तालुका सेलेक्ट कर लो, क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग, ये सब आपको एड्रेस आपके कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और कॉलेज का नाम प्रॉपर डालें। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का नाम एक्स वाई जेड है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग होता है, फार्मेसी होता है, डिप्लोमा होता है, अलग अलग ब्रांचेस बिल्डिंग्स होती है हर इसके, तो आप प्रॉपर डालें। आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री का लिख के लिए बराबर, डिप्लोमा है तो बराबर, पॉलिटेक्निक शायद लिख कर आएंगे वहाँ पे, तो पॉलिटेक्निक वाला लिख कर ले। ऐसा ना कि गलत कॉलेज डाल दोगे ना तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे, और जिस कॉलेज में आपका फॉर्म गलत कॉलेज में चला गया ना, तो ना वो हेल्प कर पाएगा ना आपका एक्चुअल कॉलेज हेल्प कर पाएगा।
आएगा। तो प्रॉपर कॉलेज का नाम जैसा आपके फी रिसिप्ट में मेंशन है वैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। आपको बस इधर पे क्लिक करोगे ना तो आपको आ जाएगा, या तो आपको इंस्टीट्यूट कोड मिलेगा, इंस्टीट्यूट कोड भी डालोगे तो आपको एक्चुअल कॉलेज मिल जाएगा। आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, जो भी इंजीनियरिंग के आप हैं, मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं या सीओ के हैं, तो आप ब्रांच को भी ध्यान से डालें, गलत ब्रांच नहीं डालना, नहीं तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एडमिशन टाइप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मैं उस पर भी आता हूँ क्योंकि ये मैं एग्जांपल एसवाई के लिए ले रहा हूँ जिन लोगों का पूरा नो डेटा वाला केस हो गया था। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये ऑप्शन आता है और एक ये ऑप्शन है, बहुत सारे चार सभी ऑप्शन है। TFWS ऑब्वियसली फॉर्म भर ही नहीं सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है, TFW के लिए अलाउड नहीं है। तो मैनेजमेंट कोटा वाले भी भर सकते हैं मगर उसके लिए अलग रूल है, मैं फिलहाल इन पर फोकस करता हूँ। कैप राउंड वाले, तो कैप राउंड वो होगा जो आपने सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू 3 राउंड 2 राउंड फर्स्ट राउंड के थ्रू एडमिशन लिया था, याद है? तो आपके अलग अलग राउंड ऑफ एडमिशन हुए थे, तो उन एडमिशन राउंड में जो आपको एक सर्टिफिकेट मिली होगी, तो ये एरो बताता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिली है तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने कैप राउंड लिया है ना तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा कि अपलोड कैप सर्टिफिकेट, तो वो कैप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है? वो से कैप सर्टिफिकेट अपलोड करो, याद रहे वो सर्टिफिकेट शायद आपने कॉलेज में जमा कर दिया होगा एडमिशन के दौरान में ओरिजिनल, तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास उसका होना चाहिए, वहाँ पे लिखा होना चाहिए एडमिटेड, क्या लिखा होना चाहिए एडमिटेड। ये जब फ्रीज करके कंफर्म करते हैं फिर आप कॉलेज में फीस भरते हो, तो एक एडमिशन कंफर्मेशन फॉर्म सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिख कर आता है वर्ड एडमिटेड, ठीक है? वो फ्रीज के बाद वाला लेटर बता रहा हूँ हाँ मैं, तो वो वाला लेटर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो कॉलेज में शायद आपको कॉपी पड़ा होगा, तो कॉलेज में से आप रिक्वेस्ट करके उनसे उसका एक फ़ोटो ले लो, फिर वो अपलोड कर दो। अपलोड होने के बाद आपको ये ध्यान दे रहे हो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखो लास्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने परसुइंग लिया था ना, तो परसुइंग लिया था तो आपको परसुइंग आ रहा है यहाँ पे, मगर परसुइंग देने पर देखो एडमिशन डेट आपसे फी रिसीप मांग रहा है, यहाँ पर फीस पूछ रहा है, मगर जब आप कंप्लीटेड लिखते हो तो देखो परसेंटेज आ गया, बदल रहा है, राइट? तो इस पर ध्यान दो, हाँ मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो अभी आप सिंस क्या, अभी आप कौन से स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट हो? SY के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आप फर्स्ट ईयर का डेटा आपने डिलीट कर दिया, नो डेटा हो गया था, तो आप फर्स्ट ईयर का फिर से भरोगे, रिमेंबर फिर से भरोगे, ये रीज़न था आपको बताने का। TY वाले स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का डेटा नहीं भरेंगे, और इस कब नहीं भरेंगे क्योंकि आप डिलीट नहीं करना चाहिए, तो ऑलरेडी वहाँ रहेगा डेटा। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो इस बार अभी है तो वो लोग परसुइंग नहीं लेंगे, वो अभी लेंगे कंप्लीटेड, क्या लेंगे कंप्लीटेड, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है ना, आपने फर्स्ट सेम और सेकेंड सेमेस्टर दे चुका है, तो आपने फर्स्ट ईयर दिया होगा ऑब्वियसली, आप अभी 23-24 में हो तो 22-23 में आपने दिया होगा आपका FY और ये SY, तो आपका 2022 आ जाएगा, इधर एडमिशन ईयर आपका 2022 आना चाहिए, थर्ड ईयर के लिए 2021 आएगा। देखो यहाँ लिखा भी है फर्स्ट ईयर का साल डालो, सिर्फ ईयर सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे परसेंटेज क्या डालना है पता है? आपको एग्रीगेट परसेंटेज डालना है। आपके पास SEM 1 का रिजल्ट होगा ना, SEM 1 का और SEM 2 का रिजल्ट, तो दोनों रिजल्ट में जो परसेंटेज आ रहा है वो डालना है। फॉर एग्जांपल आपको मिला है 500 मार्क्स मिला आउट ऑफ 1000 और यहाँ भी मिला है 500 मार्क्स आउट ऑफ 1000, अज्यूम कर रहा हूँ मैं आपके मार्कशीट में ऐसा मार्क्स लिखा है जिसकी वजह से आपको आ रहा है 50% SEM 1 में, यहाँ भी आ रहा है 50%, तो एग्रीगेट क्या आएगा, यहां भी 50% आएगा, तो आपको वैसे कैलकुलेट करके डालना है। तो क्या होगा, आपको 1000 मार्क्स मिले आउट ऑफ 2000 टोटल मार्क्स इनटू 100, तो परसेंटेज कैलकुलेट करो और यहाँ पे परसेंटेज डालो। इन केस आपको KT लगी है, KT लग के पास होके सेकेंड ईयर में आ गए हो तो यू शुड सेलेक्ट पास विद ATKT, इसको क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ऑल क्लियर हो तो यू जस्ट टाइप पास्ट, ओके? तो आपको यहाँ प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे आप कैटेगरी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, आप अगर माइनॉरिटी वाले हो या जनरल OBC जनरल कोट कैटेगरी के तो जनरल ले लोगे, या माइनॉरिटी वाले होगे तो भी आपको जनरल ही जाएगा। OBC SC ST वाले लोग आपके हिसाब से कास्ट का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे जो आपको इस पर क्लिक करने पे मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है और मार्कशीट का जो फाइल का नाम होगा ना एकदम सिंपल रखना, ठीक है। मार्कशीट कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल एक मार्कशीट आपकी सैम वन की है और एक मार्कशीट आपकी सैम टू की है, तो ये दो मार्कशीट को ना एक सिंगल फ़ोटो बना लो, दोनों को बाजू बाजू में रख के आप उसको फ़ोटो खींच लो और उसका रीनेम ज़रूर कर लो, रीनेम करके डॉट JPG कर दो, नहीं तो आपको ना एरर आएगा, वो फाइल मिसमैच है, फाइल के स्पेशल कैरेक्टर का एरर आता है। तो याद रहे कि इट शुड बी अ सिंगल इमेज। और फिर अगर आपको गैप लगा रहेगा, एक साल का ड्रॉप लग गया रहेगा, तो ना ये जीरो से वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो से वन होगा। अब वन हो गया ना तो फिर आपको गैप सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आएगा, आपको गैप सर्टिफिकेट के लिए वकील के पास से एफिडेविट बना के लेना होगा और वह एफिडेविट का फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आपको गैप नहीं लगा है, ड्रॉप नहीं लगा है, तो आप फिर आगे का प्रोसेस करो। और फिर यहाँ पर रेगुलर लो, डिस्टेंस अलाउड नहीं है, इसके लिए स्कॉलरशिप है नहीं, और रेगुलर क्लिक करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अभी आप क्या करेंगे, जैसे ही सेव पे क्लिक करें तो आपका 2022 का डेटा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर आप 2022 में थे और आपका कंप्लीटेड लिख कर आ गया है, ठीक है। और आपसे उसने क्या क्या लिया, आपसे कैप सर्टिफिकेट लिया जो कि यहाँ पे दिखाई देगा, कैप आईडी सर्टिफिकेट, और ये देखो रीसेट हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, ये अब भी भरे थे ना, ये यहाँ पे अपन इन्फॉर्मेशन खाली हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको भी सेकेंड ईयर का डेटा भरना होगा, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर का डेटा भरने के लिए तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए देखो, अभी सेकेंड ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ऊपर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये छोड़ दो अभी। मैं अगर एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी हो गए, ट्वेल्थ से करके डिप्लोमा में या डिग्री में एडमिशन लिए हो, तो आपका यहाँ पे DSY आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर मिल जाएगा, बाकी का प्रोसेस वैसे ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अभी आप सेकेंड ईयर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालो, और याद रहे इस बार परसुइंग डालोगे, क्या डालोगे, परसुइंग डालोगे, क्योंकि आप अभी सेकेंड ईयर में हो। थर्ड ईयर के स्टूडेंट कंप्लीटेड लेंगे, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों का कंप्लीटेड, ये किसके लिए, TY वालों के लिए, और ये किसके लिए, SY वालों के लिए, क्योंकि आप परसुइंग हो रहे हो ना, तो आप परसुइंग लोगे। और फिर अभी यहाँ पे ये तो ब्लॉक हो चुका है, ये भी ब्लॉक हो चुका है, उसके बाद आप फॉर्म जैसी भर के हो जाएगा परसुइंग करके, आप अभी क्या करोगे, सर्टिफिकेट रिजल्ट अपलोड करते हो। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने भूल गया, यहाँ पे आपको ना फी रिसीव अपलोड करना है, तो फी रिसीव अपलोड करने के ना उस पर ना डेट लिखी होगी, वो डेट आप डाल दो यहाँ पर, ठीक है। और जो फीस रिसीव में अमाउंट मेंशन है वही अमाउंट डालो, जो लेटेस्ट अमाउंट होगी जो फी रिसीव, 101, 2, 3 रिसिप्ट है, जो तो भी लेटेस्ट फी रिसीव है ना वो डाल देना, तो उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो डाल के उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के टाइम देखो एक एरर आता है जो मैंने अभी पहले बोला ना आपको, तो आप क्या करो उसको रीनेम कर लो, साइज़ आपको याद रखे 256 KB से कम होना चाहिए, और उसको फीस डॉट JPG ऐसा कर दो, राइट। तो उसको रीनेम करके अभी आप अपलोड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फिर आप अपलोड करके रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सेव बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप मूवमेंट आपने सेव पे क्लिक किया, सिंस आप सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो तो आपको थर्ड ईयर का फॉर्म भरना नहीं है ना, तो ये चला गया देखो किधर, पास क्वालिफिकेशन में। पास क्वालिफिकेशन में आपका 10th का डेटा होगा, फिलहाल हमको वहाँ कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, वापस बैक आ जाओ, अभी बैक आओगे ना तो करंट कोर्स में फिर से आ जाओ, चेक कर लो कि आपका डेटा भर चुका है कि नहीं। अब यहाँ पे आओगे तो फर्स्ट ईयर का डेटा 2022 का आ जाएगा, और सेकेंड ईयर का डेटा आपका 2023 का आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड आएगा, जहाँ पे आपने रिजल्ट आपका डाला है, मार्कशीट अपलोड किया होगा, और यहाँ पे आपका फी रिसीव आपने डाला होगा, ठीक है, फीस रिसीव आपने यहाँ पे डाला होगा। तो अब थर्ड ईयर के स्टूडेंट TY वाले 2021 में फर्स्ट ईयर में थे, तो सेकेंड ईयर में 2022 में थे, तो वैसे इनके लिए देखो सेकेंड ईयर कंप्लीटेड आ रहा है, तो आपको जैसा मैंने बताया ना वैसे ही फॉर्म भर देना है। अब आप थर्ड ईयर के लिए आपको परसुइंग करना होगा, तो बाकी सब जैसा मैंने आपको प्रीवियसली आपको बताया सब वैसा ही करके आप प्रॉपरली डेटा फिल कर दो। और अगर आप डिग्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो आपको फिर वापस से याद रखें कि आपको फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का कुछ छेड़ना नहीं है, थर्ड ईयर का डिलीट करके फिर से थर्ड ईयर का कंप्लीटेड ऑप्शन डाल के और फिर फोर्थ ईयर का डेटा एज कंप्लीटेड डालना होगा जो 4 साल की इंजीनियरिंग के अंदर है, ठीक है। अदरवाइज जो थर्ड ईयर वाले हैं वो ऐसा करेंगे, तो मैं डिप्लोमा वालों के बेसिस पे चल रहा था तो मैं उसके हिसाब से बताया हूँ।
अब आपने ये फिल कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। तो सेव होने के बाद आप पास क्वालिफिकेशन में आओगे, स्क्रॉल डाउन करो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपका प्रीवियस 10 स्टैंडर्ड का रिजल्ट आएगा जो कि वहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है। अभी हॉस्टल का डेटा में आपको यहाँ भी कुछ भी छेड़ना नहीं है क्योंकि आप शायद हॉस्टल में नहीं हो, आप डेली कॉलेज आ रहे जा रहे हो, तो आपको डे स्कॉलर बोलते हैं। तो डे स्कॉलर के केस में आपको यहाँ पर डे स्कॉलर ले लेना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, वैसे ही डेटा रहेगा। अभी आपको क्या करना है ना, आपको स्कीम के लिए अप्लाई करना, तो स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए ना आपको ऑल स्कीम में क्लिक करना होगा। तो ऑल स्कीम में क्लिक करोगे ना, तो इस साल एक प्रॉब्लम आती है, वो क्लिक करने पर ना आपको एक ऐसा एरर आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को अभी आ रहा होगा। अगर आपने फॉर्म भर चुके हैं तो आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो ये वाला आधार कार्ड अपडेट का मतलब है कि यही वेबसाइट पे ही अपडेट करना है, आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आए। ओके पे क्लिक कर लो और फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लो। ओके में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, अपडेट आधार प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगा, मैं आगे बताता हूँ। जैसे क्लिक करोगे सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करो, और ये ओटीपी बटन पे क्लिक करने पे ना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी कहाँ जाएगा, तो प्रोफाइल में जाके देख लो आपका मोबाइल नंबर जो भी था। तो मैं थोड़ा बैक करके आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बैक जाना पड़ रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे आपने कहीं पे मोबाइल नंबर डाला होगा, राइट, तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला था ना, तो वही मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। तो याद रखे ये कौन सा मोबाइल नंबर है आपको पता होना चाहिए, आपने लॉग इन किया तो आपको दिखाई देगा अभी। ओके अभी ओटीपी आने के बाद तो ओटीपी वेरीफाई कर लेना, मगर कुछ स्टूडेंट के केसेस में क्या हो रहा है ना कि एरर आ रहा है उनको, तो एरर कैसा आ रहा है देख लो। ऐसा कुछ एरर आ रहा होगा ऑथेंटिकेशन ऑन योर आधार आफ्टर सम टाइम, कुछ लोगों को ऐसा एरर आ रहा होगा, सम एरर अकर्ड। तो ये अभी ना वेबसाइट अपग्रेडेशन में चल रही है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। मतलब MahaDBT की स्कॉलरशिप की साइट और आधार कार्ड बनाने वाली वेबसाइट का कुछ तो कनेक्शन चल रहा है, और ये कभी कभी इशू में भी आता है। तो आप एक दिन के बाद ट्राई करो, एक हफ्ते के बाद ट्राई करो, या 2-3 मिनट बाद लगातार ट्राई करके भी देख लो। मैं भी जिस स्टूडेंट का ये किया हूँ ना, तो इसको एक हफ्ते के बाद हुआ है, एक हफ्ते के बाद है ना ये वाला, एक हफ्ता पहले ना उसको ये एरर आ रहा था, और फिर उसको ना मैंने फिर से ट्राई किया तो ये वाला एरर आने लगा। फिर उसके बाद फिर उसको ऐसा ओटीपी डालने के बाद सक्सेसफुल हो गया और आधार अपडेट हो गया। तो ना पैनिक नहीं होना है, ये हो जाता है मगर थोड़ा टाइम लगता है। ओके तो ट्राई करते रहो लॉग इन करके, जैसे ही हो जाएगा ना तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट कर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट, जो भी आपकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होती है उसके हिसाब से, ओबीसी वाले ओबीसी का सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो आपको ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको DT वाला सेलेक्ट करेंगे अगर इंजीनियरिंग वाले हैं आप, और फिर यहाँ पे देखो आपको ना अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन क्लिक करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना लास्ट डेट पता होनी चाहिए। लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2024, मैं आपको बता रहा था ना कि 2024 31 मार्च है, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का ही डेट है, तो ये आपका लास्ट डेट है। मगर इससे पहले ही आपका फॉर्म 100% फुल फिल तो हो चुका है, मगर अप्रूव भी हो जाना चाहिए। अभी आप फॉर्म में जैसे अप्लाई बटन में क्लिक करोगे ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन आएगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये ऑप्शन कुछ स्टूडेंट को नहीं आएगा, उन स्टूडेंट को नहीं आएगा जो स्टूडेंट का आधार अपडेट नहीं होगा, ठीक है। जब तक आधार अपडेट नहीं होता है आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो आपको इंतज़ार करना होगा। आधार कार्ड अपडेट हो जाता है ना, तो आपको फिर यस रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए यस करना है, और प्रीवियस एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे डालनी होगी। अब प्रीवियस एप्लीकेशन आईडी क्या होगी, अगर SY स्टूडेंट हो तो 2022 में आपका क्या एप्लीकेशन आईडी था, वो कहाँ से लाओगे, तो आपके पास प्रिंटआउट पिछले साल का होना चाहिए। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी साइट पे ना आप क्या करो, थोड़ा सारे को स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे माय अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री आ रहा है, दिख रहा है ये हिस्ट्री, देखो एक ये माय अप्लाइड स्कीम है जो करंट ईयर का बताता है,
और एक बताता है पिछले साल का, पिछले सभी सालों का बताता है। तो इस पर क्लिक करो, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको ये ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करो तो जितने भी पुराने साल है पिछले साल है उस सब का आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। जैसे क्लिक करें तो मैंने ये साल सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को ये एप्लीकेशन आईडी मिल गई। इसको कॉपी कर लो, कहीं पर लिख के ले लो और फिर वापस से चले जाओ आप ऑल स्कीम में। ऑल स्कीम में जाने के बाद, अब यहाँ पर जाने के बाद आप वापस से वो प्रोसीजर सब करोगे, सेलेक्ट कर लोगे क्या माइनॉरिटी, अब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे और आपका स्कीम सेलेक्ट करने का फिर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन आएगा, रिन्यूअल लो और वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लो, यहाँ पे नो डालो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड के लिए कहीं और से मिल रहा है क्या, और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर लो, ठीक है। और फिर ईडब्ल्यूएस सीट अगर नहीं है तो आपको नो ले लेना है, और फिर स्कॉलरशिप का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का सैंपल मैंने फिर से बताया दिया यहाँ पर, और जैसे अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली तो सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड होने के बाद आपको ऐसा लिख कर आएगा और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ऐसा पॉपअप आएगा, मतलब आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो आपको ऐसा एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपका फ़ोटो नज़र आएगा और पर्सनल डिटेल्स पूरे नज़र आएंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट पुराने पूरे देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर लो और सबमिट बटन पे क्लिक करो। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको इस साल का एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। देखो पिछले साल का स्टार्ट हो रहा था 22-23 से, इस साल का स्टार्ट हो रहा है 23-24 से, तो ये इस साल का आपका एप्लीकेशन आईडी है। यहाँ पे आपका नाम होगा, ओके पे क्लिक करोगे, शायद आपको एक एसएमएस आएगा या नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। तो ये आपको जनरेट हो गया, मतलब आपका इस साल का फॉर्म भर चुका है और गवर्नमेंट को, कॉलेज को अप्रूवल के लिए जा चुका है और गवर्नमेंट को उसके बाद चले जाएगा। तो इसके आगे का प्रोसेस भी बता देता हूँ ये क्या होता है, क्योंकि लॉगिन करने आपको रेगुलरली लॉगिन करने के बाद ये भी चेक करना है कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हुआ है, हो चुका है, तो अभी मेरा फॉर्म अप्रूव हो रहा है क्या नहीं, कॉलेज अप्रूव कर रहा है क्या नहीं, कॉलेज अप्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है क्या नहीं, और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो फिर पैसे आएंगे, राइट। तो आपको अभी क्या करना होगा, माय अप्लाइड स्कीम में क्लिक करना है, ठीक है। पहले हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, उसके बाद कहाँ है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे आ गए। माय अप्लाइड स्कीम में जाने के बाद आपको ना यहाँ पर, यहाँ पे दिखेगा ये, अगर आपने कोई गलती किया होगा ना तो यहाँ पे री अप्लाई का बटन आएगा, वो आगे बताता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देखो आप अंडर स्क्रूटिनी स्टेज पे हो, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, कॉलेज ने अप्रूव नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव नहीं किया, होगा तो ही अप्रूव्ड में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करने पर आपको ऐसा नहीं, ये वाला तो इस पर क्लिक करने पर नहीं आता है, सॉरी, आपको ये एक टेंटेटिव बेनिफिट पे क्लिक कर लो तो इस पर आपको ऐसा लिख कर आएगा। तो आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस का अमाउंट मेंशन होगा, आपको माइनॉरिटी वालों को जो स्कॉलरशिप अमाउंट आने वाला है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, और यही पैसा आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको ना प्रिंट आउट निकालना रहेगा, तो आप प्रिंट बटन पे क्लिक कर लो, और फिर प्रिंटर अगर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन लेकर सेव बटन पे क्लिक करके पीडीएफ ले लो, ईमेल कर लो अपने आप को घर पे जाकर, या कहीं पे पॉसिबल होगा वहाँ पे प्रिंट ले लेना। अभी मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ, देखो हम लोग ने जब आपको यहाँ पे बताया ना, मैंने यहाँ पे ये कहाँ गया, ये वाला, इस पे जब आप क्लिक करते हो ना तो आप अंडर स्क्रूटिनी ऑप्शन में हो, अब माय अप्लाइड स्कीम के अंडर स्क्रूटिनी ऑप्शन में, ठीक है, वो हर जगह पे ये दिखता है, मगर मैं इस पर्टिकुलरली इस सेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या, प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट करती क्या है, उस कॉलेज क्या करता है, तो आपने फॉर्म भर दिया है, वो सबमिट हो गया है, ठीक है, सबमिट हो गया तो कॉलेज क्लर्क के पास गया है, कॉलेज क्लर्क आपका फॉर्म चेक करेगा, सब कुछ सही है तो कॉलेज के आगे के ऑफिसर को भेजेगा, तो वो भी सब कुछ सही है तो आपका इंस्टीट्यूट से काम हो गया, अभी गवर्नमेंट को भेजेगा, गवर्नमेंट उसको चेक कर लेगी और फिर आपका वाउचर जनरेट होगा जिसमें आपको पैसा लिख कर आता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आया, गवर्नमेंट ने पता करा कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो आपको सेंड बैक करेंगे, फिर वापस से सेंड बैक, फिर आपके कॉलेज में आएगा, फिर आपको आपके क्लर्क के पास आएगा, ये पूरा रिटर्न प्रोसेस होने का, फिर से वापस फॉर्म आपको आ जाता है, और इसको बोलते हैं सेंड बैक एप्लीकेशन। सैंडबैक का मतलब होता है आपने कुछ तो गलती किया है, वो आपको करेक्ट करना है, तो जैसा फॉर्म फिल कर रहे थे ना तो वैसे ही फिल करके, करेक्शन करके आपको फिर से स्कीम अप्लाई करना होगा, फिर से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, अपलोड करना होगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो उसको संभाल के रखो, क्योंकि फिर से लग सकता है। तो जैसे अंडर स्क्रूटिनी में आपने इस पर क्लिक किया ना तो आपको पता चलेगा, मतलब आप माय अप्लाइड स्कीम में जाओ,
फिर आप इधर पे रहोगे, यहाँ से इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया थी। यहाँ पे लिख कर आता है रीअप्लाई लिख कर आएगा ग्रीन बॉर्डर का बटन, ये बटन बन के आ रहा है, मतलब कुछ तो गलती आपकी हुई है। और जैसे ही आप किस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या मिस्टेक किया। तो कॉलेज क्लर्क ने ये तारीख को चेक किया था, इतनी सारी मिस्टेक है, फिर कॉलेज ने प्रिंसिपल को भेजा, नहीं कॉलेज ने फिर से वापस आपको चेक करके करेक्शन के लिए फिर से कुछ नया मिस्टेक निकला, फिर से देखो 20 तारीख का एक, 27 तारीख का एक, फिर कॉलेज ने आपने रीअप्लाई कर दिया, सब कुछ सही था, आपने रीअप्लाई करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से फिल करके आगे भेज दिया। तो अब कॉलेज क्लर्क ने चेक करा कि आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है, तो ऑल ओके लिख कर आ रहा है, फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, कॉलेज क्लर्क ने आगे भेजा, उसके आगे चला गया, इसके बाद चला गया तो मतलब आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा। और ये सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी सिर्फ वापस से ये प्रोसेस होता है। तो अभी आपका देखो फॉर्म कहाँ चला गया, अप्रूव्ड में, इससे पहले कहाँ था, अंडर स्क्रूटनी, ये डिफरेंस है। तो आपको फॉर्म अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया ना तो ही आपका अप्रूव्ड में आता है, तब आपको फिर यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये सब लिख कर आएगा। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करके, ये इसमें दो तीन चीज़ नई नई बाद में बदलती है, वो लास्ट स्टेप में ये लिखा रहता है चेक रिडीम स्टेटस। और फिर जैसे इस पर क्लिक करोगे चेक रिडीम स्टेटस पे, इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको लिख कर आएगा कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा आ गया। जैसे इस केस में देखो इनको पैसा 25,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, ठीक है, ये पिछले साल का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फंड डिसबर्स लिख कर आता है, अगर इनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अब तक नहीं आया है इसलिए अवेटिंग अप्रूवल बता रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही कुछ आएगा, आपको इनिशियली ये दोनों वाउचर रहेगा ही नहीं, पहली बात तो वाउचर आने के लिए भी आपको 2-3 महीना जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पैसा अगर इनकेस आपके पास आ चुका है फंड डिसबर्स में, तो आप पूरा, आपको जानना है कि भाई मेरा पैसा कहाँ आया, कौन से बैंक में आया, आप कंफ्यूज हो, तो फंड डिसबर्स टैब में चले जाओ, फिर वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी में क्लिक करो। अब यहाँ पे ना आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक का नाम लिख कर आता है, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे IPB के बैंक का लिख कर आएगा नाम, तारीख लिख कर आएगी, अकाउंट नंबर भी लिख कर आएगा, लास्ट डिजिट्स लिख कर आएंगे, उसका ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आप कौन से अकाउंट में पैसे आए हैं, क्योंकि आधार लिंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म में जो आपने नंबर लिखा है उसमें जाएगा, आधार लिंक अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का प्रोसेस। अभी यहाँ पर है ना, मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर जो बताया रिन्यूअल का, आप अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करें। और प्लस इस दौरान में मैंने एक वीडियो आपको बीच में आपको एक बताया था रिगार्डिंग मेरा ऐप है हसबा सॉफ्ट नाम का, प्ले स्टोर पर आप उसको डाउनलोड कर लें, हसबा सॉफ्ट। तो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं डिप्लोमा के अंदर, या AN डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो इन सभी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर तो 6th सेमेस्टर तक, सेम 6 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और वीडियो लेक्चर कुछ चीज़ों के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।